आशा मन में रखो, जीवन जिए जाओ। कल किसने देखा है, अगर हमारे जीवन में एक वो उम्मीद से दुनिया जीती है, ऐसे जिए जाओ, मजा किए जाओ। जिंदगी एक बार मिलती है, वो आनंद करने के लिए है, निराश होने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम वत्सला है और मेरा विषय है मित्रता। मेरे मित्र जो हैं वो अपने अंदर से अच्छे गुण निकालते हैं, जो हमारे रास्ते सही रास्ता है वहाँ तक पहुँचाते हैं, और हम जो हैं वो उनको सही रास्ते और उनमें से अच्छे गुण निकालने के लिए मदद भी करते हैं। मित्रता एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें बहुत विश्वास की जरूरत होती है। विश्वास के बिना मित्रता नहीं हो सकती है। मेरे जो मित्र हैं वो बहुत पास है, मेरे करीब है, और वो जन्म से ही मुझे इतना तक पहुँचाते हैं, और वो बहुत अनेक हैं। वो मेरी अभी तक बहुत मदद की है उन्होंने, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। नो, कोई गलती नहीं। मेरा नाम संजय है और मुझे विषय देना है अनेकता में एकता। अब सभी को पता है हमारी दुनिया की जो विशेषता है वो है अनेकता में एकता। अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, अलग अलग पहराव, अलग अलग खाने की अपनी अपनी एक तरह होती है, खाने के जो चीजें हैं अलग अलग तरह है, मगर पूरे देश में हर एक भारतवासी हर एक दूसरी चीज को उतनी लगन से चाहता है, खाते हैं, पीते हैं। हम जब दूसरे देश में जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारी पसंद की, हमारे देश की कोई व्यंजन हमें मिल जाए तो हमें ज़्यादा खुशी होती है। ये तो अपने धर्म की बात है, राष्ट्र की बात है। अभी हिंदी की जब बात चल रही है तो हिंदी भी अनेकता में एकता के लिए इसकी भी बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आप देखेंगे हिंदी में इतने अलग अलग भाषा के शब्द जुड़े हुए हैं कि अगर हम उसको सोचने जाए, पूछे कि इसमें से कौन सा शब्द मूलतः हिंदी से है और कौन सा हमने बाहर से किया है, तो ये हमें आज पता नहीं है। और इसी में पार्टी बदल ली लोगों ने। अब मैं निर्णायक बनों से पूछ लूँ कि वो निर्णय पे पहुँचने के लिए कुछ समय लेंगे या आप कुछ समय लीजिएगा, आपका निर्णय तैयार है? आपको और टाइम चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए। तो निर्णय तैयार है, तो आप निर्णय से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा विषय क्यों रखा गया। मेरा इसमें विशेष उद्देश्य ये था कि हम ये देख सकें हम इस अंग्रेजी पर कितने निर्भर हो गए हैं, कि एक कुछ क्षणों के लिए भी हमको कहा जाए हिंदी में बोलो तो बोल नहीं पाते। अब हमको ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम लंबे लंबे समय तक हिंदी में ना भी बोल सकें, पर जब भी बोलें चाहे अंग्रेजी के शब्द प्रयोग में भी लाएं, पर कोशिश करें आपस में बातचीत अपने दोस्तों से जिनको जानते हैं उनसे, बच्चों से हिंदी में करें, खासकर बच्चों से हिंदी में बात करने में बहुत लाभ होता है।
मैं आपको अपनी देवती की बात बताती हूँ। वो 5 साल की अभी हुई है, यहीं पर मेरी बेटी हुई थी और देवती तो यहीं पर हुई पैदा। अब उसने हिंदी सीखना शुरू करा, तो अब जब भी हम पर हमसे दूरभाषे में बात करती है, पहले कहेगी, नानी नाना नमस्ते, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। जब वो ये बोलती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे प्रयास हैं जिनका हमको बाद में फल मिलेगा और बच्चों को भी बहुत आनंद आता है। वो 2.5 साल का हमारा देवता वो आता है, कागज लाता है मेरे पास, नानी नानी ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। अब उसको ये पता लग गया ये इंग्लिश कौन सी है, हिंदी कौन सी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम सबको बहुत फायदा करेगी, इसीलिए हमें ये आरंभ करना चाहिए। अब हमारे निर्णायक गण आपको निर्णय सुनाएंगे। और इसके अतिरिक्त एक और चीज, जितने भी लोग भाग ले रहे हैं सबके लिए हमारे पास पुरस्कार है जो कि बाहर रखा है, और जो उत्तीर्ण हुए हैं प्रथम श्रेणी में द्वितीय श्रेणी में उनको पुरस्कार मिलेगा। तो मीना जी आप एंड सरिता जी आप, आप कृपया अपना निर्णय हिंदी में सुनाने का प्रयत्न कीजिएगा। सबसे पहले तो ये आपको सबसे आपका सबका नाम परिचय करवाएंगे, फिर हम आपको सबके जो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे हैं वो बताएंगे। पहले तो आप सबसे मिलेंगे। अच्छा, ऐसा है कि मैं ये बोल रही थी कि पहले सबका नाम देते हैं, आपको कौन बोला था तब आपको पता लगे कि कौन पहले पे है। अच्छा, फर्स्ट प्लेस पे जो है प्रथम पुरस्कार, आज ये बहुत ही कठिन कार्य था क्योंकि यहाँ पे रहते रहते पूरी आदत सी पड़ गई है। जिससे बात करते हैं जो अंग्रेजी में बात कर रहा है तो उन्हें अंग्रेजी में बात करनी पड़ जाती है और ज़्यादा लोग अंग्रेजी भी करते हैं, जबकि मैं पढ़ाती हिंदी हूँ पर अंग्रेजी पढ़ने वालों को पढ़ाया जाता है तो अंग्रेजी बोलने की आदत पड़ सी गई है। पर अब ये बहुत अच्छा लगा कि हम पूरी अपनी आदत को सुधारने के लिए प्रयास तो किया गया है। ये प्रयास बहुत ही अच्छा प्रयास है, सचमुच में काफ़ी कोशिश की है सबने बोलने की। बच्चों का अभी जैसे निर्णय लिया था, हमने सोचा कि इनको थोड़ा सा अलग से कर दिया जाए, बट सबसे पहले बच्चों में से देखते हैं कि बच्चों ने जो भी किया बोला बहुत ही अच्छा बोला। उसमें प्रथम नंबर पे जो आती हैं वत्सला मुन्नु, मैं सोच नहीं सकती कि छोटे बच्चे कहते हैं ना जब इतना किया जाए, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत किया। मीरा जी आपको बेटे पुरस्कार दिया जाएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लगता है बहुत 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 बधाई हो। सबसे ज़्यादा बधाई तो एक मैं माँ माता पिता को देती हूँ, क्योंकि घर का जो वातावरण होता है उसी से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं और इनको इतनी ज़्यादा प्रोत्साहन मिला जो इतने अच्छे शिक्षक। इनके माता पिता को आगे भी बुलाओ ताकि हम माता पिता, अरे बहुत अच्छी बात है, माता पिता को बुला के आए हैं क्योंकि अपनी भाषा पे गर्व करना आना ही सबसे बड़ी बात है। बहुत अच्छे आपने खूब तालियां इनके लिए। ये भी हिंदी बोलती है, आप बताइए अपना नाम बता दीजिए। थैंक यू गाइस। अच्छा, अब दूसरा बच्चा जिसने गलती नहीं की ज्यादा, मतलब बोला भी काफी अच्छा है, अर्णव। जबकि इसके हिसाब से
जो विषय था काफ़ी बड़ा था, किताबों की दुनिया में बहुत अच्छा पढ़ा था। अब इसके पेरेंट्स माँ बाप क्या बात है। माता पिता को बहुत बहुत मेरा नाम संजय सूद है। मेरा नाम परविंदर कौर है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सबका। उसके बाद जब जिन्होंने भाग लिया था बच्चों ने, सबने बहुत अच्छा बोला था, और जो एक बच्चा भी था आगे खड़े होना भी बहुत बड़ी बात है। जो आज खड़ा हुआ है वो कल जरूर बोलेगा, क्योंकि उसने बाकियों से आज बहुत कुछ सीख लिया है। एक भी जो बच्चे कहाँ है वो अभी अर्जुन और अजय जी सीखा होगा, अगली बार आप हिंदी सीख के आएंगे आपको भी पुरस्कार मिलेगा, और हिंदी सीखे मैं पुस्तक दू भी आप ही सीखेंगे अगली बार बोलेंगे ना, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। अब बड़ों से बात करती है हमारे अदिति, इसने शासन के ऊपर बहुत अच्छा बोला था। अनुषा राम मेरे को अनुषा ने बहुत अच्छा बोला था, मतलब एक विषय से हटके धार्मिक विषय पे बोलना बहुत बड़ी बात है। अब इसके माता पिता वो भी अपना करते अब बड़ों के लिए, बच्चों को भाषा सीखना बड़ा आसान है तभी हम बच्चों को ज्यादा पकड़ने के सीखे, बड़ों की जो भाषा बिगड़ गई होती है उसको सुधारना तो और भी मुश्किल काम है, और उन्होंने इतना मुश्किल काम किया है अब उन्होंने हिंदी भाषा सीखी है, उनके लिए तो सचमुच बहुत बड़ी गाली है। खाली स्लेट पे लिखना तो आसान होता है, तो उसमें से मैं सबसे ज्यादा बधाई देती हूँ संजय जी ने, अनेकता में एकता जो किया है प्रथम नंबर पे। अब इसमें साथ सहयोग इनके परिवार का जरूर जाता है जिनके साथ ये हिंदी भाषा बोल सकते हैं माता पिता ज्यादा, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। फिर उसके बाद सोबत हैरेवान और पॉल इंग्लो दोनों बराबर के ही हिस्सेदार बनते हैं, क्योंकि इनका विषय बड़ा आसान था और उनका भी था और बहुत अच्छा बोला। स्वपन जी थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ जी, और उसके बाद मैं बुलाती हूँ चारों विश्वास जी को। अब वैसे देखा जाए मेरे लिए बड़ी ज्यादती होगी, सब बराबर चल रहे हैं, चारों व्यास और सब भरे ने भी कला जो था बहुत अच्छा बोला था, मैं सबको भी बुलाती हूँ, आइए सभी को बुला, और बहुत अच्छा बोला था, थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो गलती की बात है, मतलब उसमें किसी की भाषा बहुत अच्छी थी और किसी की थोड़ी गलती थी, तो आइए सभी को। आप देखिए आपका एक बार जोर का साथ सबको स्वागत करते हैं, थोड़ा अच्छे से ग्रुप फोटो हो जाए। ये आप सरोज जी आ गए, आप मेरा जी आ गया, ये आप पीछे ऊपर हैं या आप भी आपके शक्ल भी नहीं चालू जी इधर आइए लेर पे खुद बने एक किसी और को बना तो मेरा तो बड़ा पार एक और ऑफिशियल फोटोग्राफी।